वेलकम बैक टू इंग्लिश कनेक्शन गाइज माई नेम इज कंचन एंड टूडे यू आर गोइंग टू टेस्ट योर इंग्लिश आज आप देखने वाले हैं कि आप इंग्लिश में कहाँ तक पहुंचे हैं आपकी इंग्लिश लर्निंग कहाँ तक पहुंची है देखिए ये क्या है शी और यहाँ पर ब्लैंक है शी डैश हर फेवरेट बुक लास्ट नाइट यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे शी रीड्स हर फेवरेट बुक लास्ट नाइट और शी रीड हर फेवरेट बुक लास्ट नाइट और शी इज रीडिंग हर फेवरेट बुक लास्ट नाइट अभी आपको तीनों ऑप्शन गलत लग रहे होंगे उसका रीजन ये है कि यहाँ पर है लास्ट नाइट राइट मतलब कल रात अगर कल रात का जिक्र किया तो रीड्स तो नहीं हो सकता ये गलत है शी के साथ हम रीड भी कैसे यूज करेंगे अगर लास्ट नाइट का जिक्र हो रहा है इस रीडिंग भी नहीं बोल सकते क्योंकि लास्ट नाइट है तो आइज ये गलत है ये गलत है पर ये सही है क्योंकि ये रीड नहीं ये रेड है ये V2 है रीड वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2। इसे हम पढ़ते हैं रेड और क्योंकि लास्ट नाइट है दैट मीन्स कि ये कल का जिक्र कर रहा है ये सेंटेंस जो है कल की बात कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर वी यूज कर रहे हैं शी read her favorite book last night all right as a bohotsari बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में जहां पर आपको एरर स्पॉट क्वेश्चन कहाँ है अगर आपको आपको एरर स्पॉटिंग के लिए मदद चाहिए तो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स मैंने इसमें रखे हैं जिससे आपके कॉमन मिस्टेक्स इम्प्रूव होंगे आप सुधार पाएंगे और अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाते हैं एक एक क्वेश्चन से समझते जाते हैं और सीखते जाते हैं द टीम अब यहाँ पर देखिए प्ले का जिक्र होगा कौन सा ऑप्शन सही है वही पिक करना है आपको द टीम प्ले इन दी चैंपियनशिप मैच टुमारो क्योंकि यहाँ पर टुमोरो है हमेशा हम उस एक्स्ट्रा वर्ड के लिए जाएंगे ठीक है द टीम प्ले तो गलत हो गया द दीम प्लेज अगर बोलते हैं तो tomorrow है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हम प्लेज कब यूज करते हैं ये तो हम यूज कर ना प्रेजेंट इनडेफिनेट में तो अभी का जिक्र कर रहे हैं या वर्तमान का तब या फिर जो फिर जो चीजें बार बार करते हैं उसके लिए तो द टीम इज प्लेइंग इन द चैंपियनशिप मैच टुमोरो क्या ये सही है जी हाँ बिल्कुल सही है जैसे आप बोलते हैं ना मैं वहां जा रहा हूँ कल या फिर मैं कल वहां जा रहा हूँ तो कल की बात करते हैं फिर भी कहते हैं जा रहा हूं उसी तरीके से इंग्लिश में भी है आई एम गोइंग देयर टूमो कल का जिक्र कर रहे हैं लेकिन आई एम गोइंग देयर बोल रहे हैं क्योंकि वो प्लैंड है तो ये एक रूल है इसी तरीके से ये भी प्लान है तो मैं बोलूंगी टीम इज इज प्लेइंग इन चैंपियनशिप मैच टूमोरो क्लियर? तो वीडियो में जरूर से एंड तक बने रहिएगा क्योंकि तभी आप इन सभी चीजों को सीख पाएंगे नेक्स्ट बाई द टाइम आई अराइव मतलब जब तक मैं पहुंची दे डैश डिनर यहाँ पर क्या बोलेंगे दे ईट डिनर दे ईट डिनर का मतलब होता है कि वे डिनर करते हैं तो जब मैं वहाँ पहुँची या जब तक मैं वहाँ पहुंची वे डिनर करते हैं गलत लग रहा है बाय द टाइम आई अराइव्ड दे आर ईटिंग डिनर ये भी गलत लग रहा है कि वे डिनर कर रहे हैं सही क्या है दे हैड ईटन डिनर बाय द टाइम आई अराइव्ड दे हैड ईटन डिनर इस रूल को समझिएगा कि जब दो क्लॉज होते देखिए कॉमा से हमने सेपरेट किया है ये एक क्लॉज है ये दूसरा क्लॉज है तो जब हम ये कहते हैं कि जब तक मैंने ये किया तब तक कोई काम उसके पहले ही हो चुका था तो उसमें हम जो सेकंड वाला क्लॉज रहता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज होगा ठीक है बाय द टाइम आई अरराइव्ड दे हैड ईटन डिनर वे डिनर कर चुके थे नेक्स्ट शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे शी गो टू द स्टोर यस्टरडे नहीं क्योंकि यस्टरडे का जिक्र कर रहे हैं कल तो कल के लिए हम गो तो यूज कर नहीं सकते हम गोज भी नहीं यूज कर सकते हम वेंट यूज करेंगे वी टू अगेन ठीक है पास सिंपल में वी टू शी वेंट टू दिस क्लियर नेक्स्ट शी डैश हर कीज एट होम दिस दिस मॉर्निंग मॉर्निंग मतलब आज सुबह एंड कुडंट डैश हर कार तो यहां पर देखिए लीव का जिक्र हो रहा है सो शी लीव हर कीज एट होम नहीं हो सकता क्योंकि दिस मॉर्निंग आज सुबह तो आज सुबह वो टाइम गया तो हम यूज करेंगे लेफ्ट तो leaves, leaves तो गलत है ये वाला सही है सो शी एट होम कुडंट अब कुड भी बता रहा है कि पास्ट का जिक्र हो रहा है लेकिन कुड के साथ हम क्या यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है right, चलिए फिर हमारे पास द कैट ग्रूम्ड

Guys, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें आई वुड लाइक टू बाय अ कार और एन कार और द कार ये तीन के तीनों क्या है ये है आर्टिकल्स और हमें नाउन के पहले कोई ना कोई आर्टिकल यूज करना होता है या फिर माई हिज इस तरीके से यूज करना होता है तो एन तो यूज नहीं होगा क्योंकि ये कार है कॉन्सोनेंट साउंड है ए और द में कंफ्यूजन हो सकती है लेकिन जब हम इन जनरल बात करते हैं मैं क्या कह रही हूँ आई वुड लाइक टू बाय अ कार और द कार अगर अभी सोच ही रहे हैं तो इन जनरल बोल रहे हैं ना कि मैं एक कार खरीदना चाहूंगी तो इन जनरल हम जब बात करते हैं तो इसका जिक्र करते हैं ठीक है तो ये दोनों गलत हैं हम और यूज करेंगे आई वुड लाइक टू बाई अ कार मैं कार ख़रीदना चाहूँगी नेक्स्ट दिस इज द डैश बुक आई एवर रेड अब यहाँ पर हम गुड यूज करें या बेटर यूज करें या बेस्ट यूज करें देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा जब भी आपको आई एवर डन समथिंग ऐसा वाला क्लॉज दिख रहा है तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करते हैं तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट और वैसे भी द के साथ बेस्ट यूज होता है तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ईजी हो जाएगा दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर रेड मतलब अब तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं ये उनमें से सबसे अच्छी है ये सेंस आता है सो द बेस्ट नेक्स्ट शी डैश एट द एयरपोर्ट एट 5 पीएम टुमारो अब यहाँ पर जिक्र हो रहा है अराइविंग का ठीक है सो शी अराइव्स एट द एयरपोर्ट एट 5 पीएम टुमारो अब टुमारो है तो अराइव्स तो नहीं हो सकता अराइव्ड भी नहीं हो सकता देखिए क्योंकि ये पास्ट हो गया तो हम क्या यूज करेंगे विल अराइव सो शी विल अराइव एट द एयरपोर्ट

राइट right? तो हम कहाँ जाएंगे हम किसके साथ जाएंगे हम हैड के साथ जाएंगे पास्ट परफेक्ट के साथ जाएंगे तो ये गलत हो गया विल भी गलत हो गया हम गए इसके साथ तो हो गया दे हैड क्लियर चलिए नेक्स्ट ही डैश सॉकर फ्रेंड्स इन पार्क सो ही प्ले तो हो नहीं सकता ठीक है ही प्ले हो नहीं सकता ही प्लेज हो सकता है ही प्लेज सॉकर विद हिज फ्रेंड्स इन द पार्क मतलब वो पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ सॉकर खेलता है तो प्लेज बोला तो खेलता है इस प्लेइंग भी गलत नहीं लग रहा अगर ये सही है तो ये भी तो सही है कि वह खेल रहा है भले ही नाव नहीं लिखा हुआ है बट हम ये बोल सकते हैं ना कि ही इज प्लेइंग सॉकर विद हिज फ्रेंड्स इन द पार्क मतलब वो पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ सॉकर खेल रहा है तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन हैं जो आप यूज कर सकते हैं ठीक है सो इधर यू कैन यूज दिस और दिस नेक्स्ट दे डैश ब्रोकली दे डोंट लाइक ब्रोकली दे ब्रॉकली लाइक ब्रोकली और दे इजेंट लाइकिंग ब्रोकली देखिए ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम डोंट यूज करते हैं डजेंट गलत है दे के साथ नहीं जाता और लाइक एक ऐसा वर्ब है जिसमें हम इजेंट लाइकिंग आई एम नॉट लाइकिंग ऐसे करके नहीं बोलते हैं तो हम डज और डू का यूज करते हैं तो यहाँ पर दे के साथ क्योंकि डू जाएगा इसलिए हम यूज करेंगे दे डोंट लाइक ठीक है सिंपल सा है आगे बढ़ते हैं वायल आई डैश टी वी दैंग अब यहाँ पे वायल का जिक्र है वाइल मतलब जब जब सो वाइल आई यहाँ वॉच है मान लो मैं इसको हिंदी में बनाऊँ वायल आई वॉच टी वी फोन रैंग तो ये गलत लग रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि जब मैं टीवी वी देखती हूँ फोन बजा अजीब लग रहा है तो वॉच तो गलत है वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी द फोन रैंक जब मैं टीवी देख रही थी फोन बजा ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है एक और ऑप्शन देख लेते हैं वाइल आई वॉचड टीवी द फोन रैंक तो जब मैंने टीवी देखा तब फोन बजा ये भी अजीब लग रहा है राइट तो आप इसके साथ जाएंगे क्योंकि वाइल का जिक्र किया है तो हम कंटिन्यूस वाले के साथ जाते हैं वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी द फोन रैंक नेक्स्ट आई डैश फॉर दुमोरो अब ध्यान रखिए so, गलत लग रहा है I studying तो बिल्कुल गलत है। या तो एम होता कुछ होता आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम टूमो मतलब मैं एग्जाम के लिए कल पढ़ूंगी सो आई विल स्टडी ये सही होगा आई विल डैश अ डिलिशियस पिज्जा इसको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर या फिर अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप सजेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ आते हैं यस्टरडे का जिक्र हुआ है तो ईट्स देखिए नहीं हो सकता यस्टरडे ही ईट्स नो यस्टरडे ही एट ये हो सकता है ईटिंग भी नहीं हो सकता तो ये ठीक है ठीक है यस्टरडे ही एट अगेन हमने क्या यूज किया वी टू

क्स्ट so, visit, visited, visited. So, देखो दे के साथ हैज नहीं आता ये तो गलत ही हो गया अब हम ये बोल रहे हैं येट मतलब अब तक अगर अब तक का जिक्र कर रहे हैं तो कोई भी काम अगर अब तक की बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट तो हैवेंट जाएगा ये नहीं होगा दे है

नॉट टॉक ड्यूरिंग द क्लास डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास टॉक नॉट ड्यूरिंग द क्लास ये एक इंपेरिटिव सेंटेंस है जो कि नेगेटिव है तो जब भी हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा मत करो तो हम शुरुआत कैसे करते हैं डोंट से तो ये वाला ठीक है हम क्या बोलेंगे डोंट सॉरी डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास ये दोनों ऑप्शन गलत नेक्स्ट

चलिए

वन तो वैसे भी नहीं होगा सही ऑप्शन है ये डिड इन सी जब डिड यूज कर लिया तो वी वन यूज करेंगे आई डिड see सी दैट मूवी लास्ट नाइट ओके चलिए नेक्स्ट डैश शी डैश द बुक yesterday। तो यहां पर क्या है Did शी रीड द बुक yesterday और डू डू तो होगा नहीं क्योंकि यास्टरडे है तो ये गलत है यहाँ डिड है और रीड्स लिखा है मैंने अभी बताया कि डिड के साथ हम वर्क की बेस फॉर्म यूज करते हैं तो ये भी गलत है तो ये डिड है और ये रीड है यहाँ पर इसे रेड नहीं पढ़ेंगे ठीक है डिड शी रीड द बुक यस्टरडे ओके सबसे ज्यादा गलतियां इसी टेंस में होती हैं इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से समझिए द बुक डैश बाय द स्टूडेंट्स एवरी डे अब यहाँ पर देखिए रीड है यहाँ मैं बता दू इसलिए इसको समझिएगा रीड का जिक्र हो रहा है द द बुक स्टूडेंट्स जिक्री मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा हर दिन किताब पढ़ी जाती है ये एक है एक पैसिव सेंटेंस ये एक्टिव सेंटेंस नहीं है यहाँ पर जो आपको ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो बुक तो कुछ नहीं कर रहा है ठीक है तो हम द बुक रीड नहीं बोल सकते हैज रेड नहीं बोल सकते हम बोलेंगे द बुक इज रेड यहाँ पर अगेन ये रेड है ठीक है द बुक इज रेड बाय द स्टूडेंट्स एवरी डे ये गलत ये गलत ये सही अब यहाँ पर क्या है कि कहा जा रहा है ये है सब्जेक्ट एक्चुअली तो सब्जेक्ट्स जो क्रिया कर रहे हैं उसका प्रभाव बुक पे पड़ रहा है तो किताब जो है स्टूडेंट्स के द्वारा हर दिन पढ़ी जाती है इज डन ये वाला कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे

द केक डैश बाई मैरी यस्टे ये भी पैसिव सेंटेंस है द केक इज बेक्ड बाई मैरी यस्टे अभी मैंने इज डन बताया था आपको बट क्योंकि यहाँ यस्टरडे है तो अगर मैं बोलूँ की मैरी के द्वारा केक कल पकाया जाता है तो 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 ये 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 अजीब हो जाएगा ना तो ये incorrect है तो अगर yesterday है 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 अगर हम करेंगे मतलब कल Mary के द्वारा cake किया गया था तो ये सही है, has baked भी नहीं होगा क्योंकि yesterday है. एक बात बहुत ही कॉमन है सभी पैसिव सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी जैसे मैंने वहाँ is red बोला था आपको वैसे यहाँ पर was baked. यहां आते लेटर्स डैश द पोस्टमैन राइट नाउ अब हमने बात कर दी राइट नाउ मतलब अभी अभी हो रहा है तो द लेटर्स डिलीवर्स गलत हो जाएगा भाई ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं ठीक है इज डिलीवरिंग द लेटर्स इज डिलीवरिंग बाय पोस्टमैन ये भी ऐसा लग रहा है कि लेटर्स ही कुछ कर रहे हैं जबकि कर पोस्टमैन रहा है तो हम क्या बोलेंगे द लेटर्स आर बींग डिलीवर्ड बाई द पोस्टमैन राइट नाउ क्योंकि अभी हो रहा है इसलिए आर बींग डिलीवर्ड ये जो बींग है ना ये बताता है कि अभी हो रहा है ठीक है आर बींग डिलीवर्ड अब आपके सामने जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है कंडीशनल सीखना भी एक टेढ़ी खीर है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इजी बन जाता है तो मैं यहाँ समझा रही हूँ लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो देखिए वहाँ आई बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे देखिए समझिएगा जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं इसमें दो क्लॉजेज होते हैं एक कंडीशनल क्लॉज होता है जिसमें हम कंडीशन बताते हैं और दूसरा रिजल्ट जैसे यहाँ कॉमा आपको दिख रहा है ना सो इफ़ यू हीट वाटर टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये एक क्लॉज है जहां मैं कंडीशन रख रही हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा ठीक है वो दूसरा क्लॉज होता है और ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है वैसा ही रिजल्ट होगा और इसके आधार पर अलग अलग रूल्स बने हैं तो जीरो कंडीशनल होता है फर्स्ट होता है सेकंड होता है थर्ड होता है उसके अलावा मिक्स भी होता है लेकिन हम फोर्थ तक यहाँ पर देखेंगे तो ये जीरो कंडीशनल का सेंटेंस है जिसमें कि हम फैक्ट्स की बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा फॉर श्योर sure, ऐसा होगा तो यहाँ पर भी आप देखें कि अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा वो बॉयल होगा फॉर श्योर बॉयल होगा तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम ये यूज करें ये यूज करें ये यूज करें ये समझ रहे हैं यहाँ पर क्या है ये प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है इफ़ यू हीट वाटर ट वॉटर प्रेजेंट सिंपल तो इसका रूल कहता है क्योंकि फॉर श्योर रिजल्ट वही आने वाला है तो सेकेंड क्लॉज होगा यूज करेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे विल okay? नहीं यूज कर सकते वुड नहीं यूज कर सकते ये जीरो कंडीशनर की बात है यहाँ आते हैं इफ शी डैश द बस शी डैश लेट फॉर द मीटिंग ठीक है bus, meeting, तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर उसकी बस छूटती है बस मिस हो जाती है तो मीटिंग के लिए लेट हो जाएगी ठीक है तो इफ शी विल मिस द बस शी इज लेट फॉर द मीटिंग इन करेक्ट ध्यान रखिएगा इफ क्लॉज में कभी भी विल आता ही नहीं है आप मिस्ड यूज कर सकते हो बट मिस्ड के साथ विल भी नहीं यूज होता ठीक है तो हम यहाँ आते हैं इफ शी मिसेज इफ शी मिसेज द बर्स शी विल बी लेट फॉर द मीटिंग तो यहाँ जो ये कंडीशन है उसका प्रॉबेबल रिजल्ट यही होगा ठीक है ऐसा नहीं है कि फॉर श्योर sure यही होगा बट उसका प्रोबेबल रिजल्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है और इसमें रूल ये है कि आपका जो फर्स्ट क्लॉज है ये बनता है प्रेजेंट सिंपल में और जो सेकेंड क्लॉज है उसे बनाते हैं फ्यूचर सिंपल में हम विल का यूज करते हैं ठीक है सो शी विल बी लेट फॉर द मीटिंग क्लियर अब आते हैं यहाँ पर इफ आई डैश यू आई वुड टेक दी अपॉर्चुनिटी अगर मैं आप होती तो मैं अपॉर्चुनिटी लेती अब आप समझिएगा अगर मैं आप होती ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो पॉसिबल हो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है इमेजिनरी कंडीशन है मैं केवल इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर मैं आप होती मैं आपकी जगह होती तो ऐसे में मैं एम तो यूज़ नहीं कर सकती मतलब जिस तरीके से हम नॉर्मल सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं ये फॉर्म नहीं होता हम वॉज बोल सकते हैं बट जो ग्रामेटिकली परफेक्ट है वो है वर ऐसे में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करते हैं किसी का नाम हो ही हो शी हो इट हो ठीक है दे हो कुछ भी हो हम वर यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है ये इनकरेक्ट है ये ये पॉसिबल है क्रॉस नहीं करूंगी ये भी पॉसिबल है स्पोकन इंग्लिश में ठीक है

Had use have नहीं कर सकती प्रेजेंट हमें पास सिंपल यूज करना है ऐसे में और विल हैव भी नहीं यूज कर सकती सही क्या हैड मिलियन डॉलर आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर आपने पास सिंपल यूज किया तो ये वुड होगा अब हम आ गए यहाँ पर थर्ड कंडीशनर इफ दे ट्रेन दे देश द मीटिंग सो इफ दे

अगर रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा सा समझ पा रहे हो ये क्या है पास्ट परफेक्ट ठीक है तो थर्ड कंडीशनल में हम यहाँ पर यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट इफ दे हैड द ट्रेन अगर उनकी ट्रेन मिस हो गई होती दे वुड हैव मिस द मीटिंग उनकी मीटिंग मिस हो गई होती ठीक है सो वुड हैव पर यूज करेंगे तो अभी अगर आप समझ पा रहे हो क्या ध्यान में रखने वाली बात है कि थर्ड कंडीशनल जहाँ पास्ट का ही कंडीशन है पास्ट का ही रिजल्ट है अभी का जिक्र नहीं हो रहा है इफ दे हैड मिस द ट्रेन मतलब पास्ट परफेक्ट यूज किया तो यहाँ हम वुड हैव यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव मिस्ड ऑल राइट आई होप आपकी वीडियो बहुत पसंद आई हो आप जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में आप करते रहें प्रैक्टिस जय हिंद